ठंड में काम करने का मन नहीं करता है ना? मेरा भी नहीं करता है कभी कभी, बट करना पड़ेगा अभी। हाउस हेल्पर भी नहीं कोई, मतलब कि नहीं किसी को बुलाते हैं, खुद से हो जाता है, तो और अभी है ना, तो फिर खुद से करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब बताइएगा। और आज है फ्राइडे, आज फ्राइडे है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा सा बस ज्यादा कुकिंग और घर का ही काम हो रहा है ना, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है, तो बाहर का कुछ क्लिप नहीं ले पाते हैं, घर में ही रहना है अभी, तो बस घर का ही जो रूटीन होता है। मेरा कुछ खास वैसा रूटीन नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और ब्रेकफास्ट लंच का कुछ जो खाना होता है वो मॉर्निंग में ही बन जाता है बस, और फिर बस बाद में बस चावल दाल या जो भी है बना लेते हैं, और बस बाबू के साथ खेलना, उसको थोड़ा सा आधा घंटा के लिए जो भी 10-15 मिनट भी बैठ जाए कॉपी पेंसिल लेकर, बस इसी तरह कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर अपना मोबाइल या लैपटॉप में हम लग जाते हैं वीडियो को एडिटिंग, उसको ये सब देखना है कहाँ क्या है, और फिर और बस यही रूटीन होता है। फिर इवनिंग टाइम किचन में जाना, बर्तन धोना, खाना बनाना यही होता है ना और अभी बाबू सो रहा है तो आज उसको नहीं नहाएंगे, फिर चलिए तब तक हम फटाफट घर का काम करते हैं। टिप, सारे हाउस घर का क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ, जो भी सामान बिखरा रहता है उसको पहले समेटती हूँ, फिर उसके बाद सारा बेड ये सब पहले हॉल लिविंग रूम को सेट करती हूँ, फिर बेडरूम में जो भी बेडशीट इधर उधर है, मेरा एक रूम का बेडशीट जो है वो ठीक रहता है क्योंकि वो यूज़ नहीं होता है, और जिसमें सोते हैं उसको ठीक करती हूँ, तो वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट अभी बाबू सो रहा है, वो सोता रहता है ना, इसीलिए हम उसको बेडरूम का नहीं दिखाते हैं ज़्यादा कि बेडशीट मैं कैसे अरेंज करती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह जो भी है, तो आज मैं वही दिखाती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग आज का। आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे, और मैं किस तरीके से करती हूँ आप देखिए। और मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ जहाँ हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं यहीं पे, और तो फिर और सोफ़ा मेरा ठीक ही रहता है, तो इसको मैं वीक में 2 डेज एक वीकेंड में करती हूँ, और उसके पहले एक दिन मैं हटाकर अच्छे से उसका जो भी डस्ट है सब गिरा हुआ रहता है, जो भी कुछ बाबू खाया, तो वैसे तो नहीं ही गंदा होता है उतना, बेड ज़्यादा मेरा गंदा होता है, तो बेड भी साफ़ करते रहती हूँ तो वो भी साफ़ ही रहता है, तो मैं बेडशीट हटा कर नहीं करती हूँ साफ, बस ऊपर से जो भी मुझे लगता है कि हाँ गंदा है वहाँ पर मैं वहाँ पर ठीक कर देती हूँ। तो बस सोफ़ा वाले कपड़े से ही एक आर्म को लेकर मैं उसी से थोड़ा डस्ट हटा दी हूँ जो भी है, फिर ब्लैंकेट को फोल्ड करके वहीं पे रख देते हैं, क्योंकि ये तुरंत बाबू आता है तो वो इधर उधर वैसे कर देता है, या हम भी बैठते हैं तो ब्लैंकेट ले लेते हैं, तो बस वैसे ही मैं रख देती हूँ। और आज फ्राइडे है तो मैं इसको हटाऊँगी क्योंकि वीकेंड है मेरा, फ्राइडे सैटरडे बस यही सब रूटीन हो जाता है। थोड़ा डीप क्लीनिंग तो नहीं बोलेंगे बट उसी टाइप का है, डीप क्लीनिंग टाइप ही है, तो बस इसको सब सोफ़े कवर सबको हटाकर जो भी डस्ट है या फिर खाने का कुछ गिर जाता है तो वो सब हट जाता है, और अभी मैं झाड़ू ये सब बाद में लगाऊंगी अभी नहीं। और आज मैं लास्ट टाइम मैं हॉल का लिविंग रूम का जो भी है सारा सेल्फ़ वगैरह मैं क्लीन करी थी, तो आज बेडरूम का टाइम है तो बेडरूम का सारा क्लीन करूँगी, और जो भी सामान बिखरा हुआ रहता है सबसे पहले मैं उसको हटा लेती हूँ, तो मैं हटाते रहती हूँ ना तो कम ही मेरा दिखता है, इसीलिए अभी भी मेरा कम ही दिख रहा होगा आप लोग को, ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं लग रहता है। और तो फिर सारे सोफे को ठीक कर लेंगे इसी तरीके से, तो फिर आप देखिए और वीडियो इंजॉय कीजिए। और अभी आज जो भी जितना भी टेबल है या टेबल टॉप है उसको मैं कोलिन से
हल्का हल्का वो मैं सफाई कर देती हूँ जो भी है। 2 डेज में करती हूँ, वीक में डेली नहीं करती हूँ ये सब। तो जो भी है टॉप वगैरह टेबल का या शो रैक का मैं सबको अच्छे से, अभी तो ठंड में उतना डस्ट वैसे आता नहीं है, फिर भी एक मन में तसल्ली सुकून रहता है कि हाँ साफ है सब कुछ। और अभी जो भी स्विच वगैरह है ऊपर ऊपर जो भी हल्का हल्का डस्ट है उसको मैं हटाते जाऊंगी। तो बस वही, इसके बाद मैं डाइनिंग टेबल भी अच्छे से मैट्स वगैरह जो भी है इसका मैं हटाकर उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और सफाई भी करती जाऊंगी और साथ साथ जो भी मैट्स है या जो भी सामान वहाँ पे रखा हुआ है, और ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसे, फ्रूट्स वगैरह रहता है तो मैं उसको साइड कर देती हूँ क्योंकि कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। तो अभी उतना है नहीं कुछ, तो मैं वैसे ही वहीं पे कर रही सा रख कर सफाई कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं सभी को हटा देती हूँ पहले, उसके बाद अच्छे से करती हूँ। तो बस साथ साथ मैं मैट्स भी वहाँ पर डालती जाऊँगी उसके प्लेस पर। और अब आ गई हूँ रूम में। इस रूम में हम लोग नहीं सोते हैं, बस यूं ही इसमें बेड लगा हुआ है। तो इसका भी जो भी फर्नीचर है इसमें सबको मैं कॉलिन को कपड़े पे लगाती हूँ डायरेक्ट, बहुत थोड़ा सा इसमें लेती हूँ बस कि डस्ट हट जाए। ज़्यादा इस पे कॉलिन बोर्ड पे नहीं यूज़ करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा एक दो स्प्रे कपड़ा पे लेते हैं फिर उसको वाइप कर देते हैं अच्छे से, डस्ट बस हट जाए। तो मैं सारे टेबल जो भी है साइड टेबल बेड सभी का डस्टिंग कर लूँगी, डस्ट हटा दूँगी। और अभी इसका बेडशीट भी हटाना है। फ्राइडे से मैं एक फ्राइडे को हॉल करती हूँ लिविंग रूम, उसके बाद सेकंड फ्राइडे को मैं दोनों रूम को एक साथ इकट्ठा करती हूँ। इसी तरह अल्टरनेट में काम करती हूँ। और जो डाइनिंग स्पेस है फिर उसको वीक में कभी किसी दिन मैं उसको साफ़ कर दी, फ्रिज वगैरह जो भी है। बस ऐसे ही मेरा रूटीन चलता है। और ये जो उसको हीटर जो वहाँ पे रखा हुआ है वो काम नहीं करता एक्चुअली, उसका रॉड ख़राब हो गया है। तो यूँ वहाँ पे मैं रखती हूँ, बाहर में रखी हुई हूँ कि कभी बाहर जाएँ तो बनवा लेंगे, और अभी तो बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे ही वहाँ पे रखा हुआ है। और जो भी फ्लावर पॉट ये सब था मैं उसको भी साथ साथ क्लीन कर दी हूँ, और पिलो कवर ये सब जो भी है। और मैं डस्टिंग बेडशीट रहते हुए ही करती हूँ, हटाती नहीं हूँ, नहीं तो उसके नीचे जो बेड कवर जो भी बेड रखा हुआ है वो उस पर फिर डस्ट चला जाता है। तो मैं बेडशीट रहने देती हूँ, उस डस्टिंग के बाद ही इसको आराम से, ज़्यादा नहीं आराम से इसको उठा लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है डस्ट नीचे वाले लेयर पे नहीं आता है। और बस इसके बाद हम इस पर बेडशीट लगा लेंगे। जो भी मेरे पास है वुलन बेडशीट है तो उसको मैं इस पर डाल लूँगी। और फिर इसका मेरे पास मैचिंग पिलो कवर नहीं है तो जो पहले से लगा हुआ है उसी को मैं छोड़ दूँगी, जो दूसरा वाला है। और पहले जो वेलवेट के साथ मैच था उसको मैं वॉश कर दूँगी। अब हम मैं आ गई हूँ दूसरे सेकंड बेडरूम में, तो यहाँ हम लोग सोते हैं। और इसको भी वैसे ही सेम जैसे मैं उस रूम का करी हूँ, ड्रेसिंग मिरर हो गया या बेड साइड टेबल कवर्ड का जो
बस उडेन पोर्शन है, सबको मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ लूँगी, और एसी वगैरह स्विच बोर्ड जो भी है उसका मैं बस डस्ट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा बस हाथ लगा देते हैं कि डस्ट आ जाए बाहर, ठीक है। इससे थोड़ा क्या होता है, साफ भी दिखता है घर, अच्छे से लगता है। और मुझे ये सब करने में ना अच्छा लगता है, मतलब कि मेरा एक टाइम पास हो जाता है। और ऐसे दिन भर घर में बैठे रहो, बोर होते रहो, कोई काम तो है नहीं ना, तो फिर अच्छा लगता है सब करना। तो मैं हाउस हेल्पर अभी नहीं रखती हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो रख लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है तो नहीं रख रहे हैं, कि मेरा टाइम पास भी हो जाता है, वर्कआउट भी हो जाता है एक तरीके से। तो बस घर का काम है खुद से कर लेते हैं तो अच्छी बात है। बस देखिए मैं सारा क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पे मैं चादर को टक करने के लिए कॉम्ब यूज़ करती हूँ। ये जो फ्रंट साइड दिख रहा है ना, वो हाथ है जो अच्छे से हो नहीं पाता है, ये थोड़ा गैप नहीं रहता है इसके बीच में, तो मैं यहाँ पे कॉम्ब यूज़ कर लेती हूँ जिससे इजीली वो अंदर चला जाता है, टक हो जाता है। और इसके बाद जितना भी डोर मैट्स वगैरह है या कारपेट्स है सबको मैं, या जो हाथ से झड़ रहता है उसको मैं हाथ से कर दूंगी, और कारपेट ये सबको आज मैं वैक्यूम क्लीनर करूंगी। 2 डेज मैं करती हूँ वीक में, और तो कारपेट ये सब मैं हटाऊंगी, और जो भी है ब्लैंकेट वगैरह सबको रख दूंगी। और इस साइड मेरा ना वो कपड़ा अभी सूखा नहीं है अच्छे से, तो वही रखा हुआ है, उसको फोल्ड नहीं करी हूँ अभी। अब जब टाइम मिलेगा कल करेंगे उसको, अभी वैसे ही छोड़े हुए हैं, थोड़ा और उसको सुखाना है। तो अगर आपको वो दिखे तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और अब मैं इसके बाद जितना भी डोरमेट्स है हटाऊंगी, उसके बाद लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया में वही वैक्यूम करूंगी फिर।
वैक्यूम क्लीनर में फ्लोर क्लीनर भी था, बट मैं मन में तसल्ली नहीं होता है कि हाँ बिना झाड़ू का लगता नहीं है कि हाँ झाड़ू हुआ है। वैसे मैं उससे भी कर सकती थी बट आगे का कर ही हूँ दोनों हॉल का, बट अब मैं फिर से झाड़ू लगा लूँगी सभी जगह जो भी है, क्योंकि उतने अच्छे से हो नहीं पाता ना वैक्यूम क्लीनर से, गेट के पीछे या बेड के नीचे जो भी है। तो फिर सभी को मैं एक बार झाड़ू लगा लूँगी, डोरमेट्स वगैरह छोटा छोटा जो भी है उसको हटाकर। और तो बस यही रूटीन रहता है मेरा, वीकेंड में थोड़ा टाइम लग जाता है 1 घंटे में, लेकिन सारा काम हो जाता है आपका जो भी मैं इतना दिखाई हूँ, बेड बेड शीट हो जाता है। और बस इसके बाद हम झाड़ू लगा लेते हैं, फिर इसके बाद पोछा लगा लेंगे, मॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद फ्री।